तीन भुवन में सार वीच राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारी कर। छठा लज ग्रंथ तीसरी ढाल का छंद नंबर 9। प्रस्तुत छंद में कविवर ने आश्रम को ही दुख रूप बताकर बंद संवर और निद्रा तत्व का प्रयोजन सहित भाव वाही वर्णन किया। आवाज गूंज रही है, ये ही आत्म को दुख कारण ताते इन कूत जिए जीव प्रदेश बंधे विधि सोसो बंधन कवहु न सजिए यह मिथ्यात्वादी आश्रव ही आत्मा को दुख के कारण है, इसलिए इन मिथ्यात्वादी को छोड़ देना चाहिए। आत्मा के प्रदेशों का कर्मों से बनना वह बंद कहलाता है, वह बंद कभी भी नहीं करना चाहिए। जीव अजीव के बाद आश्रव और बंद तत्व की चर्चा। मिथ्यात् अवृत्ति प्रमाद कसाय और योग, ये पांच कर्म के आश्रव और बंद के कारण है। दोनों ही आश्रव और बंद के कारण है। तो यहाँ पर पंडित साहब बोल रहे हैं, यह मिथ्यात्वादी आश्रव ही आत्मा को दुख के कारण है। ये ही आत्म को दुख कारण, कौन दुख का कारण है? देखो क्या दुख का कारण है, तो कह रहे हैं ये ही मतलब मिथ्यात् अवृत्ति प्रमाद कसाय और योग, ये ही दुख के कारण है। सुनना ध्यान से, मिथ्यात्व दुख का कारण है, लेकिन मिथ्यात्व ये है कि दुकान मकान पत्नी बच्चे दुख के कारण है, बीमारी दुख के कारण है। देखो क्या कह रहे हैं, दुख का कारण कौन है? मिथ्यात्व। और समझ रहा है कि दुख का कारण दुकान मकान पत्नी बच्चे मौसम है, प्रतिकूलता है, रोग है। मिथ्यात्व के बारे में मिथ्यात्व है, दुख का कारण मिथ्यात्व है, और समझ रहा है परद्रव्य है, यही मिथ्यात्व है। वस्तु स्वरूप को समझे बिना, इन तत्वों के स्वरूप को समझे बिना इस बात का भी सही ज्ञान नहीं होगा कि दुख का कारण कौन है। दुख का कारण कौन लगता है? परेशानी है, बाहर में लोग परेशान करते हैं, बीमारी है, धन नहीं है, इसलिए जीव दुखी है। और ये सब सही हो जाए तो सुख हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये गलती, दुख का कारण अंदर में उठने वाला विकार है, विकारी परिणाम है, और समझता है कि परद्रव्य है। कुत्ता हड्डी चबाता है, कुत्ता हड्डी चबाने का दृष्टांत नहीं, इसमें दूसरा दृष्टांत टुड़रमल जी साहब ने जो इसके लिए लिया है, लाठी वाला मारता है उस व्यक्ति को लाठी से, व्यक्ति कुत्ते को, कुत्ते को व्यक्ति लाठी से मारता है, और ये लाठी को पकड़ता है, व्यक्ति को नहीं पकड़ता। कारण व्यक्ति है कि लाठी है?
व्यक्ति है। ऐसे ही अज्ञानता में दुख का कारण तो मिथ्या वृत्ति प्रमाद कसा है, और ये समझता है कि पत्नी दुखी कर रही है, ये मौसम दुखी कर रहा है, ये सरकार दुखी कर रही है, ये सड़कों पे गड्ढे इसलिए दुख है, ये दुकानदार लूटते हैं, सरकारी अफसर रिश्वत लेके लूटते हैं, ये लोग लूट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं दुखी हूं। तो ये क्या करता है, ये दुख का मूल कारण है मिथ्यात वृत्ति प्रमाद, इनको जानता नहीं है, तो इनको मिटाने का उपाय नहीं करता, किसको पकड़ता है, इनको पकड़ता है और इनको दूर करने का उपाय करता है, और बेदूर कभी होते नहीं है। क्यों नहीं होते, उसका भी कारण, क्योंकि विपरीत परिणाम से कर्म बन रहे हैं, तो वे और नए नए उदय में आएंगे, वे दूर कैसे होंगे। हाँ ऐसा है, बहुत बड़ी बात है, जो दुख का कारण है उसको तो जानता नहीं है, और जो दुख के कारण नहीं है उनको दुख का कारण समझकर उनको दूर करने का उपाय कर रहा है, दुख दूर कैसे हो। क्या कहा, जो दुख के कारण है उनको तो जानता नहीं है, समझ आया, और जो दुख के कारण नहीं है उन्हें दुख के कारण समझकर उन्हें दूर करने का उपाय कर रहा है, दुख दूर कैसे हो। सिर दुख रहा है साहब, सिर दुख रहा है, लाव पट्टी बांध दो, बिम बाम लगा दो, दबा दो। भैया सिर दर्द का कारण सिर नहीं है, सिर दर्द का कारण कुछ अंदर में है, उसे तो पता नहीं है वो मूल कारण। ऐसे ही प्रत्येक जीव दुखी है अपने ही विभाव भाव से। क्या कहा, सारांश हो गया, प्रत्येक जीव दुखी है तो अपने ही विभाव से, और समझता है दूसरे से, कारण विपरीतता है, कारण विपर्य, विभाव अज्ञान मिथ्या कसाय सब हो जाएगी उसमें, कसाय है ना, यहाँ अभी दुख का कारण क्या, ये बात चल रही है, अभी आश्रय बंध तत्व की सत्ता की सिद्धि चल रही है, और जो त्रिकालिक जीव है ज्ञान स्वभाव वस्तु वो तो आश्रय से भिन्न है, लेकिन ऐसा स्वरूप नहीं जानता, इसी का नाम तो अज्ञान मिथ्यात्व कसा है, अस्थि में तो मिथ्यात्व क्या है कि जैसा अपना स्वरूप है वैसा नहीं जानता, इसी का नाम अज्ञान है मिथ्यात्व, वो अपन अभी आगे लेंगे, अभी तो ये आगम शैली की चर्चा चल रही है ना, फिर ये कहेंगे कि मैं दुख हूं कहाँ, मैं आश्रम हूं कहाँ, मुझ में ये कहाँ है, और ऐसा जाना और अज्ञान मिथ्यात्व समाप्त हो जाएगी। अभी ये तो जो शैली चल रही है यहाँ पर, ये ही आत्म को दुख कारण, अब आत्म तो दुखी होता ही नहीं है, तो यहाँ आत्म का मतलब है कि परिणति में दुख होना, इसी को कहते आत्म को दुख कारण, समझ रहे हो ना, किसकी क्या टोन चल रही है, एकदम फर्स्ट स्टेज है ये तो, पहली शैली आगम की पूरी चर्चा, भेद विज्ञान और उसकी चर्चा तो उतने ही उससे है बस। ये ही आत्म को दुख कारण, देखो इसमें कितनी बड़ी बात कही है, ये वैसे ही नहीं है, मतलब दुख के कारण तो अंदर में है, तेरा ज्ञान मिथ्यात्व कसा है, ये बात जब ज्ञान में आती है तो पूरी दुनिया निर्दोष दिखती है, कितना बड़ा काम हो गया, पूरी दुनिया की नास्ती, अरे ये दुख के कारण नहीं है, इनसे हमें कोई राग द्वेष नहीं है, अब इनमें कुछ करना नहीं है, सबसे निरपेक्षता हो गई, बल्कि यहां तो ये कहेंगे कि
कि आठ कर्म भी दुख के कारण नहीं है, उन्हें भी कुछ नहीं करना, क्योंकि तेरा जो अज्ञान मिथ्यात्व है, इच्छाएं है, कसा है, वो दुख की कारण है। समझ में आया? इसका मतलब मौसम, पत्नी बच्चे, गरीबी, शरीर का परिणमन, रोग, अरे कर्म का उदय, वो भी दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण नहीं है वो। बहुत गजब की बात है। देखो ये ऐसे ऑपरेशन है, लगते ये ही है, लगते ये ही है, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे लगते ये है, जबकि ये नहीं है। अब पूरा वहां से वो निकले अज्ञान, शरीर में रोग हो, शरीर छिन्न भिन्न हो रहा हो, गल रहा हो, कीड़े पड़ रहे हो, तो दुख होगा कि नहीं होगा? देखो कह रहे शरीर, शरीर की अवस्था दुख का कारण नहीं है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। दुख का कारण क्या है? मिथ्यात्व। क्या मिथ्यात्व? मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, मुझे बीमारी है, ऐसी जो उल्टी मान्यता है, ये दुख का कारण है। अजब बात है, मैं दुबला हो गया, मैं काला हो गया, अब मैं मरने वाला हूँ, ऐसी जो उल्टी मान्यता है, उससे भय है, उससे दुख है। और फिर जितनी कसा है, जितना राग है, उससे दुख है। बीच में अविरति है, प्रमाद है। अविरति प्रमाद क्या है? पंचेंद्रिय के विषय भोगों का की इच्छा होना, प्रवर्तन होना, ये अविरति है। प्रमाद क्या है? प्रमाद में भी वही चीज है, कसा, इसने है कि नहीं, विकता। प्रमाद के 15 भेद है, 4 विकता है, प्रणय, स्नेह वगैरह, ये सब वही कसा है, वो भी कसा का ही रूप है, नाम अलग अलग देते हैं। अज्ञान और कसाय में, अज्ञान मिथ्यात्व कसाय में सब गर्भित है। अज्ञान और भ्रांति, ये मिथ्यात्व हो गया, स्वरूप नहीं समझना, नहीं मानना जैसा वैसा। और अवृत्ति, प्रमाद और कसाय, ये तीन एक ही चीज है। कसाय में अवृत्ति और प्रमाद गर्भित है, कसाय ही है वो। वो तो एक अलग अपेक्षा से एंगल से नाम लिखे है उनके, डिवाइडेशन करने के लिए है वो एक ही। दुख का कारण कौन है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इसलिए इनको क्या करो? कह रहे ताते इनको तजिए। इनको तजिए, छोड़िए। मिथ्यात्व छोड़ो, अविरति छोड़ो, प्रमाद छोड़ो, कषाय छोड़ो। अब कैसे छोड़े वो विधि अलग आएगी। अभी तो ये कह रहे हैं ये आश्रव है, ये दुखरूप परिणाम है, तुम इनको छोड़ो, उपदेश दे रहे हैं, इनको छोड़ो भैया। धन की कमी है, ये दुख का कारण नहीं है। स्वास्थ्य की कमी है, ये दुख का कारण नहीं है। हमें लोग नहीं पूछते, ये दुख का कारण नहीं है। कोई हमारी हमसे जयजनन नहीं कर रहा, ये दुख का कारण नहीं है। हमारे प्रवचन में कम लोग बैठ रहे हैं, ये दुख का कारण नहीं है। हमारी नहीं चल रही, नहीं सुन रहा कोई, ये दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण क्या है? इच्छात्व। क्या मिथ्यात्व है? कि ये मेरे अनुकूल होंगे तो मुझे सुख होगा। ये नोट कर लेना मामा जी, मिथ्यात्व क्या है? कि जे हमारे सब अनुकूल होंगे तो मुझे सुख होगा, ये उल्टी मान्यता मिथ्यात्व।
गर्मी में देखो पसीना आता है और ऐसे ऐसे अच्छा मौसम नहीं है, और ठंड में देखो वो ऊनी कपड़े पहनो या ऐसे बंद बंद रहो, और बरसात में देखो कीचड़ होती है, जी मरते हैं। तो भैया कौन सा मौसम चाहिए तुम्हें? अब ये मौसम दुख का कारण नहीं है। आपको पता है अपने आप बारह मासा प्रसिद्ध है, बारह मासा पता है? बारह मासा मौसा जी क्या है? बारह मासा बुजुर्गों को तो पता होना चाहिए। तो बारह मासा ये है कि जब दीक्षा लेने की बारी आई, कुछ चीज करने की ऐसी बारी आई तपस्या की कुछ भी, तो वो चिंतन कराते हैं बारह महीने। तुम घर से बाहर निकलोगे, तुम जंगल में जाओगे, दीक्षा लोगे, देख लो ये बारह महीने कैसे आएंगे। ऐसे है, अब तैयार हो? तैयार हो दीक्षा लेने, धर्म करने? कुंद कुंद आचार्य जब छोटे से थे तो उन्होंने दीक्षा लेने की कही, तो उनके माता पिता डरा रहे हैं, बेटा वन में तो शेर होता है, रीछ होता है, भालू होता है, वो खा जाएगा, डर लगेगा, और वन में रहोगे और नग्न दिगंबर मुनि बन के रहोगे और फिर अंधेरा होगा और फिर वहां पे सांप बिच्छू होंगे और बिजली चमकेगी और पानी गिरेगा तो क्या होगा, और उस महीने में क्या होगा? तो उत्तर देते हैं, जो कुछ होगा सब बाहर होगा, मेरे में कुछ नहीं होगा। मिथ्यात्म नहीं है तो दुख है परिस्थितियों का बारह महीने की नहीं है, तब मुनि दीक्षा होती है। तब दुख का कारण बारह महीने की परिस्थितियां है नहीं, अपने स्वरूप को नहीं जानना, पर रूप ही अपने को अनुभव करना, शरीर रूप अनुभव करना, ये मिथ्यात्व है, ये दुख का कारण है। सरल भाषा में कहें तो मोह से दुख होता है। नानी क्या कहा? मोह से दुख होता है। कैसे होता है? कोई बीमार हो तो दुख होगा कि नहीं होगा? अब देखो कोई नहीं, हमारे घर के बीमार होंगे तो दुख होगा। तो हमारे घर के कौन के घर के बता भैया, तुम कौन हो, तुम्हारा घर कौन सा है? पहले यहां से निपट लो। अब देखो मोह से दुख है, दृष्टांत दिए पहले, अपन नई गाड़ी खरीदी 10 लाख की कार, बाहर खड़ी करके आए और ऊपर दर्शन करने गए और उसी रंग की नई गाड़ी दूसरी आके खड़ी हो गई और अपन ने एकदम देखा ऊपर से, अरे ये गाड़ी पे कोई कुछ है कर रहा है, तो एकदम अंदर में दर्शन पूजन समाप्त, भक्ति खत्म। अब तो अरे नई गाड़ी 10 लाख की है, क्या कर रहा है, और रहा नहीं गए, अब तो उतर के नीचे आए और पास पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे तो अपन ने तो बढ़िया स्वास्तिक बनाया था नई गाड़ी पे, ओम बनाया था, और उनने और कुछ बनाया था, अल्लाहु अकबर, मतलब उनकी थी। और जैसे ही वो दूर से चिन्ह देखा एकदम क्या हुआ, भ्रांति टूटी, मोह टूटा, ये मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी पे कुछ कर रहा है, तो क्या हुआ एकदम, और जब अशांति थी इसका कारण कौन था? मोह, मेरी गाड़ी। ऐसा ही मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा व्यवसाय, मेरा खानदान, मेरा शरीर, मैं अमित, मेरे प्रवचन, उनके बारे में तुमने बोला, क्या कहा? दुख का कारण क्या है? इनके बारे में बोला, तो ये है कौन तुम्हारे? ये मेरे हैं, मैंने ही कमाया है, मैंने ही बनाया है, मेरे ही पुण्य के उदय से है, मैंने ही खड़ा किया है, मेरे ही बच्चे हैं, मैंने ही जन्म दिया है, अब मेरे 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 मेरे
पर मैं ममत्व भाव बस मूर्छा परिग्रह मिथ्यात् दुख का कारण। बात समझ में आई? दुख का कारण क्या है? पर पदार्थों में, पर द्रव्यों में मेरापना, ममत्व बुद्धि, भ्रांति, मेरी इंसल्ट हो गई। तुम्हें तो हम शुद्धात्मा कह के बुला रहे हैं इतने दिन से, क्या साल भाई साहब कैसे बैठे हो, कैसी आंखें हो रही हैं, काफी वापी का है हमसे कही। तो आपसे तो हम शुद्धात्मा कह रहे हैं, और ये तो आसमान जाति जब पर्याय है शांत भाई साहब। अब वो शांत भाई साहब में एकत्व है कि शुद्धात्मा में एकत्व है? अब अशांति तो उत्पन्न होगी होगी, शांति रहेगी कैसे? मेरा धन चला गया, मैं लुट गया, मेरी घट गई, मैं बर्बाद हो गया, किसे देख के बोल रहे हैं? किसे देखकर? संयोग को घटने से, संयोग के कम होने से। कोई अरबपति था, पूरे विदिशा में शांति, बंगला, गाड़ी, खान पान, उठना बैठना सब आदर करते थे। पाप को दे आया और आज कुछ नहीं है, बोलो वो व्यक्ति अब कैसे निकलेगा, सभा के बीच में कैसे आके बैठेगा? बोलो, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है बिल्कुल। कैसे? प्रश्न ये है कि तुम हो कौन, तुम में क्या हुआ है? अब ये पता नहीं होगा तो दीनता हीनता लगेगी, बचा नहीं सकता उसे कोई अब दुखी होने से। लोग लाभ कहें, भैया वो तो कर्म का उदय था, चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन वो जो एकत्व है, ममत्व है, अरे मैं पहले सेठ था, मेरी गाड़ी बंगले थे, कैसे कपड़े पहनता था, कैसे खाता था, और आज तो मुझे उधार लेके खाना पड़ रहा है। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर कैंसर उसे। बोलो, ये दुख क्यों है? मोहे से। मोहे मतलब तुमने परद्रव्यों को अपने रूप समझा, इस बाहर के परिग्रह को अपने रूप समझा, इससे अपने को बड़ा समझा। कला भाई साहब, नौवचन चल रहा है, ये ही आत्म को दुख कारण कौन? मोहे, जिससे जितना राग उसके विपरीत परिणाम में उतना ही दुख। क्या कहा? और राग द्वेष का जनक है, जो जो उसके विरुद्ध है वो सबसे द्वेष। अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, कोई को भी लू लग गई, धूप में निकली थी सूरज के कारण, तो सूरज कैसा दिख रहा है, लू कैसी लग रही है, गर्म हवा है, अरे बीमार कर दिया, तड़फ रहे, ये लाखों रुपए लग गए, कैसी हालत है, ये गर्मी नाश मिटी, मतलब बोलो नहीं नहीं है, ये शब्द है लेकिन अंदर में भाव तो, भाव तो ऐसा ही है, भाव तो ऐसा ही है। बोलो, हम उत्तम क्षमा के अर्घ के छंद में पढ़ते हैं, घर ते निकाले तन विदारे बैर जो न ता धरे। लेकिन अभी पत्नी बच्चों के बारे में कोई भूल के देख ले, वकील साहब आपके स्कूल कैसा चल रहा है आजकल? हमने सुना सही नहीं चल रहा, सब बच्चे भाग गए। भाई साहब कौन ने रिपोर्ट दी आपको? ये बताओ जरा कौन है हमारे स्कूल के बारे में ऐसी उड़ा रहा है? ये अंदर से ये गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है? समझ में आ रहा है? और मेरी पत्नी को कौन ने देखा, और बच्चों को कौन ने देखा, आंख फोड़ दूंगा। ये जो क्रोध आ रहा है, कसाय हो रही है, ये दुख हो रहा है, वो किससे? अच्छा मान लो कोई बहुत दबंग लोगों ने कुछ किया हो, घर पत्नी बच्चों के पे ऐसा कुछ भी दुर्व्यवहार, और अपन कुछ बोल नहीं पा रहे, तो बोल नहीं पा रहे लेकिन अंदर में तो ज्वालामुखी दुख का।
चल रहा है। ये दुख का पहाड़ क्यों टूटा है? क्योंकि तुम पर्यायी वस्तु को अपना समझते हो। पंच कल्याण हुआ, शिविर हुआ, कोई आयोजन हुआ और बहुत सारा काम आप लोगों ने किया, और कोई ऐसा कहे अरे मतलब नाम नाम के लिए आते थे ये, हमें पता है, फोटो खिंचवाने आ गए टाइम पे, उसके बाद तो गोल। और आपने सही में काम किया है, बोले सुन के कैसा लगेगा वकील साहब, बताओ कैसा लगेगा। तो अब सुनना, मिथ्यात बता रहे, मिथ्यात दुख का कारण है तो ज्ञाता, लेकिन समझ क्या रहा है कर्ता। तो ज्ञाता को कर्ता समझना रूप ये मिथ्यात, और इससे अब दुख उत्पन्न होता है। ये ही आत्म को दुख कारण। क्या खाते हो तुम्हें? पैसा है, कैसे खाते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, तुम्हें कुछ आता है? न खाना आता, न कुछ आता। अच्छा, तुम बहुत रईस हो, तुम बहुत खाते हो, तो ये भोक्तृत्व बुद्धि, हम भोगते हैं, हम ऐसा भोगते हैं, तुम क्या भोगो, ये हम नहीं भोग पाते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं, ये क्या है? ये मिथ्यात है, मिथ्यात ये दुख का कारण है। अरे भैया जी तो कितने भोग भोग रहे और हम पे तो कुछ है? ये जरूर रुला जा रहा है और हम कितने भोग भोग रहे ये बिल्कुल नहीं भोग रहे। कौन सी बुद्धि है ये? ये मिथ्यात्व है। अब देखो लाइन तो यही है, ये ही आत्म को दुख कारण, यही मतलब मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग, ये ही आत्म को दुख कारण। परम ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये मिथ्यात्व के चिन्ह है। हमने तो अपनी जिंदगी में भैया खूब अच्छा खाया है, खूब अच्छा पहना है, बहुत अच्छे से ठप्पे से रहे, भले ही हम पे पैसा कम रहा, लेकिन हमने जिंदगी तो अपन ने, अपन कौन ने निकाली, कौन की जिंदगी, कहाँ देख के बोल रहे हो, क्या कहे, कैसा लगता है? केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे खुली कार में जा रहे थे शाम को, और एक व्यक्ति चढ़ा कार पे और एक दिया वो ऐसे, अब बोलो कैसा लग रहा होगा अंदर में, फीलिंग बोलो, फीलिंग बताओ, किसमें पड़ा? मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री और मुझे मार दिया चाटा, नहीं आ रही समझ में? मैं विदिशा का सेठ, मैं मुमुक्षु, और मैं ये पत्नी बच्चे मेरे, उनके सामने मेरी इंसल्ट की, एक ही कोटि नहीं है सब? अरे तुम हो कौन? मैं अरस स्वरूपी अस्पर्शी, मुझे कोई छू सकता है, मार सकता है, लेकिन ये इंसल्ट लग रही है, दुख लग रहा है, किसका? उत्तर दो किसका? ये ही आत्म को दुख कारण, ये ही मतलब सबसे पहला मिथ्यात्व, मेरी इंसल्ट हुई, मेरा अपमान हुआ, मेरा तिरस्कार हुआ, पूरी दुनिया मुझे क्या कहेगी? कल परसों की सब पढ़ाई लगा दो तीन दिन की, ये पिटा है, कौन पिटा है बोलो? अजीब। अब ये तो पर अभी तत्वाभ्यास कर रहे हैं, तो ये सब चीज खुल के बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये तो ज्ञान में निर्णय करने की चीजें हैं सारी, शांति पूर्वक। ये तो खुल के ऑपरेशन करना पड़ेगा ना, इसलिए इतना खुल के अपन बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सारे दृष्टांत दे रहे हैं, भाव आसन कराने। कौन है दुख का कारण बोलो? कौन है, कौन है? कौन दुख का कारण है? कितनी बड़ी लाइन है ये, पढ़ो एक साथ।
ये ही यातम को बोलो सुन ध्यान से, इतनी जिंदगी हुई ऐसा लग रहा है कि अपना ज्ञान मिथ्यात्व कसाय दुख के कारण है, इनको छोड़ना है, ऐसा निर्णय में भाववासन में है, बोलो मौसा जी, चिंताएं मिथ्यात्व की मिटाने की। तो जिसकी चिंता होती है उसके लिए प्रयत्न किया जाता है, मिथ्यात्व मिटाने के लिए क्या प्रयत्न चल रहा है, ये दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, जाप देते हैं, दोनों टाइम आपके प्रवचन में जाते हैं, ये मिथ्यात्व को मिटाने का उपाय नहीं है, ये होते हैं। रूढ़ी से मिथ्यात्व नहीं मिटता, क्या कहा, मिथ्यात्व तो तत्व निर्णय से वेद विज्ञान के पुरुषार्थ से मिटता है। वो पुरुषार्थ चल रहा कि नहीं चल रहा, ये अपना चेक करना है अपने को। ये ही आत्म को दुख कारण, कौन कौन, देखो हमें घर से पत्नी से बच्चों से धन से राग है बराबर, और कोई ने उनके बारे में कुछ कहा तो दुख उत्पन्न हुआ, क्रोध आया। प्रश्न है ये क्रोध का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, बताओ, उनसे राग, ये राग ये कसाय दुख की कारण। लेकिन समझता क्या है, इनने कुछ कहा है इसलिए दुख हुआ है, यदि ये नहीं बोलते तो सुखी था, आराम से था, वाह सिद्ध भगवान थे ये, भेद विज्ञान है नहीं है, स्वरूप का पता है नहीं है, और ये कौन है, वो तो मुझे दुख नहीं होता, गुस्सा नहीं आती, वो तो इनने बोला ना इसलिए गुस्सा आई है, ये गुस्से का जो दुख हुआ वो क्यों हुआ, तो इनके कारण हुआ, हम तो शांति से खड़े थे, शांति से बैठे थे, लेकिन ये चार बार बोले तो हमसे फिर हमारे पिताजी के बारे में बोल रहे हैं, हमारी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, हमारे मंदिर के बारे में बोल रहे हैं, गुरुदेव पे उत्सर्ग परिसे हुए डंडे भर से उनने एक से कुछ नहीं कहा, लेकिन हम अभी यार गुरुदेव के बारे में कोई कुछ बोल दे तो कच्चा, अब आप जानो क्या करोगे, मरने मारने तैयार है। कोटा में घटना घटी, मंदिर में फोटो लगा दिया, समाज वालों ने हटा दिया, बहुत तूफान हुआ, तो बड़े बड़े विद्वान सोनगढ़ से भेजे गए, भैया जाओ, स्वामी जी के कानों में ही बात पहुंची, पता उन्होंने क्या कहा, ए, फोटो फोन हटाओ मंदिर से, नहीं नाक का सवाल है, नाक वाकता नहीं है, जहाँ कसाय हो, जिस काम से कसाय हो, दुखो लोगों को कष्ट हो, क्या क्या होता है, जरूरत नहीं है फोटो लगाने की, हटा दो ये संदेश, ऐसा है, ऐसी बात है। जिन पे उपसर्ग हो रहा है, जिन्हें लोग कुछ कह रहे हैं, वे कुछ नहीं कह रहे हैं, तुम बीच में ही क्या कहे, ये तो कुछ तत्व ज्ञान की अद्भुत बात है। ये ही आत्म को दुख कारण कौन, एक शब्द में बोलो, अपना ही विकार, क्या कहा, दुख का कारण क्या है, शरीर में जो दुख होता है, बीमारी होती है, उसका कारण भी क्या है, शरीर में तुमने विकार इकट्ठा किया है, तुम्हें पता नहीं विकार इकट्ठा हुआ है, तुम सोच रहे हो ये रोग क्यों हो गया, ये अचानक हो गया, अचानक नहीं है, गलत उठने बैठने खान पान से वो धीरे धीरे चीज है इकट्ठी हो रही थी, समझ में आया। ये ही आत्म को दुख कारण, ताते इनको तजिए, अब बताओ मिथ्यात्व कैसे तजा जाएगा, अविरति कैसे तजी जाएगी, पॉजिटिव बोलो,
छह द्रव सात तत्व का स्वरूप जानो, उसमें मैं कौन सा द्रव और तत्व हूँ ये जानो। जब ये जाना जाएगा तो मिथ्यात्व उत्पन्न ही नहीं होगा, उस संबंधी दुख भी नहीं होगा। ये विधान है। कैसे तजे इनको कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं पर से भिन्न सुरक्षित हूँ, ऐसा ना जानकर पांचों बुद्धि हो रही थी। अब क्या करो, ऐसा स्वरूप समझो। समझ आया? ताते इनको तजिए, मिथ्यात् कैसे तजा जाता है? मैं ज्ञाता हूँ, ऐसे निर्णय पूर्वक ज्ञाता की अनुभूति, ज्ञाता की प्रतीति, इसका नाम क्या है शांत भाई साहब? मिथ्यात्व के आश्रव का त्याग। समझ आया? कसाय करने का अभिप्राय नहीं है, छोड़ दिया कसाय करना। कैसे छोड़े ने? अरे अपना स्वरूप जब जाना, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, अनादि अनंत हूँ, परिपूर्ण हूँ, अशरीरी हूँ, पर से कुछ भी संबंध नहीं है और कोई मुझे अच्छा और बुरा नहीं है, तो ये मिथ्यात्व टूटा। तत्संबंधी अवृत्ति प्रमाद कसाय भी छूटते हैं, क्योंकि प्रमाद की परिभाषा क्या है बोलो कोई? हाँ, स्वरूप की असावधानी का नाम प्रमाद है। सावधानी हो गई, इतने अंदर प्रमाद खत्म। और उस संबंधी राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे तो हिंसा नहीं हो रही, अंतानुबंधी संबंधी कसाय नहीं हो रही। भेद विज्ञान से मिथ्यात्व जाता है, तत्संबंधी अवृत्ति प्रमाद और कसाय उत्पन्न नहीं होते हैं। समझ में आया? इनको तजने का उपाय क्या है? बस एक ही उपाय है, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। किसके द्वारा? क्या है भूतार्थ यज्ञ? जैसा त्रैकालिक स्वरूप है बराबर वैसा ही जानना मानना, भ्रांति नहीं होती। स्वरूप समझने से भ्रांति नहीं होती। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। बारह भावना है, पढ़ते हैं सब। भेद नहीं करता, अंतर नहीं डालता, पर आई वस्तु को अपना कहेंगे, राग करेंगे तो अवृत्ति प्रमाद का साय से कौन बचाएगा? ऐसा है, इसी इनको क्या करना चाहिए? तजना चाहिए, तजना चाहिए। अब क्या होता है इन परिणामों से? तो कह रहे हैं जीव प्रदेश बंधे विधि सौ सो बंधन कब न सजिए। समझ आया? जीव प्रदेश बंधे क्या होता है? आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं, इन प्रदेशों में जो कर्म बंधना है वो आकर बंध जाती है। जीव प्रदेश बंधे विधि सौ सो बंधन कब न सजिए। आठ कर्मों में और जीव में एक क्षेत्र आप गाय
संबंध हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, बंध बोलते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे भाई साहब ने तो बंध बंद कर दिया, ये चीजें बंद कर दी, अब मैं भी बंध को क्या करूंगा, बंद कर दूंगा। जीव प्रदेश बने विधि सौ सौ बंधन कब होना भैया, ये बंधन से हमें कभी भी श्रृंगारित नहीं होना चाहिए, इसकी चर्चा नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हैरान परेशान, क्योंकि वो कौन है, पुलिस वाला क्या है, ये बंधन क्या है, आठ कर्मों का बंधन क्या है, चाहिए पुलिस वाला, हथकड़ी, बेड़ी, वकील साहब क्या चाहिए, नहीं कह रहे बंधन कब होना सजिए, सुनो तुम्हें पुलिस हथकड़ी बेड़ी नहीं चाहिए हो तो क्या करो, चोरी के काम मत करो, हिंसा के काम मत करो, ये तो कहेंगे, ऐसे ही तुम्हें बंधन से बचना है तो क्या करो, वही विद्यावृत्ति प्रमाद का सहार मत करो, तो क्या करें, क्या करें, जैसा अपना स्वरूप है वैसा जानो, जो अपनी वस्तु उसे अपना जानो, जो अपना स्वभाव काम है उसे अपना काम जानो मानो, ऐसा है भैया। बंधन कबू न सजिए, इधर देखो थोड़ी सी चर्चा दूसरी कर रहे हैं, ये जितने लौकिक के पद है यहाँ पे आए, अच्छा है, आ रहे दर्शन करने गए ऊपर, अभय जी है ना, बंधन कबू ना सजिए, बंधन क्या है, ये जितने बाहर के पद है बंधन है, इनसे मत सजो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंत्री पार्षद है ना ये बंधन, फिर दादा बन गया, दादी बन गई, नानी बन गई, पति बन गए, पत्नी बन गए, क्या है ये बंधन है, इनसे सजना, बंधन कहू ना सजिए, बंधन कबू न सजिए, बंधन के चक्कर में कभी मत पड़ो, निर्बंधता के मार्ग पर चलो, और निर्बंधता का मार्ग एक ही है वेद विज्ञान का, निर्बंध स्वरूप को जानने का, पर उसको जानने से अंदर में अज्ञान मिथ्यात् कसाय नहीं होंगे, और धीरे धीरे बाहर की स्थिति परिस्थिति भी बदलती जाएगी, बंधन कबू ना सजिए, बराबर, जितना निकालते जाओ उसमें से निकलते जाएगा, मतलब आप लोगों से जितने संपर्क जोड़ोगे क्या होगा, अब इनके जीवे में मरवे में खावे में पीवे में बोलो नहीं जाना पड़ेगा, उनके कुछ हो रहा है कुछ हो गया, ये प्रवचन स्वाध्याय विधान पूजन क्या छूटते हैं, बंधन से सजिए। श्रीमत जी बस अंतिम बात, श्रीमत जी कहते हैं ये सब चीजें कम कर दो, बाहर से उपाय बताते हैं, खाना पीना बोलना चलना रिश्तेदारी संबंध सब चीजें कम कर दो, बंधन से नहीं सजोगे, स्वतंत्रता का भोग करोगे, बराबर। से चर्चा निज निधि निज में बता।